हेलो एवरीवन, संजीवनी नेचुरोपैथी के हेल्थ गाइड प्लस से मैं संजीवनी वेलकम। मेरे इस चैनल से बॉडी माइंड और सोल को हेल्दी रखने के लिए छोटी बड़ी टिप्स मिलती रहेंगी। आज का विषय शुरू करने से पहले सबको एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें तथा बेल पर क्लिक करके आगे आने वीडियोज़ की जानकारी भी पाए। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कैसे तनाव हमारे शरीर पर इफ़ेक्ट करता है। आज हम तनाव को कम करने या निकाल देने के लिए क्या कर सकते हैं यह देखेंगे। इसलिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही उपाय है। लिव स्ट्रेस फ्री लाइफ। पहले हम शॉर्ट टर्म उपायों के बारे में सोचते हैं। यह करने में आसान, तुरंत राहत देने वाले किंतु गुड फॉर टाइमिंग होते हैं। इसमें हॉबीज, ट्रेन योर ब्रेन, एरोमाथेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, डीप ब्रीथ, एक्यूप्रेशर, फिंगर प्रेस आदि ट्रीटमेंट्स आती है। हर एक व्यक्ति को इसमें से एक या अनेक थेरेपी चुनने पड़ते हैं अपनी इच्छा तथा होने वाले इफ़ेक्ट्स के अनुसार। हॉबीज, हम में से हर एक को कोई ना कोई हॉबी ज़रूर होती है। रीडिंग से लेके कुकिंग तक, सिंगिंग डांसिंग से लेके साइकिलिंग तक, स्विमिंग से लेके ट्रैवलिंग तक, संगीत से लेके मूवी देखने तक, बस इसको हम सब ने रूटीन कामकाजों में भुला दिया है। दोस्तों, हमें बस दिन के कुछ पल अपने खुद के इस हॉबीज़ के लिए निकालने हैं। इवन दिन के 10-15 मिनट भी आप दे दें तो माइंड रिफ्रेश होके आप भी फ्रेश हो जाएंगे। ट्रेन योर ब्रेन। पुराने ज़माने के लोग कुछ बातें कहा करते थे, याद है आपको? कुछ सूझ नहीं रहा हो तो घर के बड़े वह बात बाजू में रखने के लिए कहा करते थे। सही थी वह बात। ट्रेन योर ब्रेन टू पिकअप द प्रायोरिटीज़। जब एक साथ अनेक सवालों पर काम करोगे तो एक भी न होगा। डीप ब्रीथ लीजिए, आंखें कुछ पल के लिए बंद करके एकाग्र हो जाए। दिमाग में जैसे सब सवाल दौड़ रहे हो ऐसा लगेगा। फिर से एक लंबी सांस ले और मन में या पेपर पे इन सवालों को प्रायोरिटीज़ के अनुसार मैप कर लीजिए। तुरंत आपको समझ में आएगा कि अभी क्या करना है, कल क्या करना है, कुछ दिनों के बाद और कुछ सालों में क्या करना है। और आप खुद ही हंस दोगे कि मैं इनमें से कुछ सवालों के लिए बिना वजह परेशान था। अब यह बात करने से अपने आप दूसरे सवालों के भी हल निकल आएंगे और आप डिस्ट्रेस हो जाओगे। सवाल समझना उत्तर ढूंढने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एरोमाथेरेपी। एरोमा मतलब गुड स्मेल। एरोमाथेरेपी के कुछ इसेंशियल ऑयल्स में स्ट्रेस कम करने के गुण होते हैं। इन्हें सूंघते ही मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ना शुरू होता है। हम जैसे ही यह सुगंध वाली हवा सूंघते हैं, यह हमारे नाक के ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स पे जाती है। यहाँ से वह लिम्बिक सिस्टम को इंफॉर्मेशन देती है। लिम्बिक सिस्टम यह है जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करती है। इस वजह से स्ट्रेस के सिम्टम्स कंट्रोल में आ जाते हैं और हमें रिलैक्स लगता है। इसका असर काफ़ी वक्त तक रहता है। एरोमाथेरेपी एक अल्टरनेटिव थेरेपी है। तनाव कम करने में एरोमाथेरेपी में लेवेंडर, लेमन, बर्गमॉट, यांग यांग, जस्मिन, रोज़, सिनेमन, फनल ऐसे इसेंशियल ऑयल्स यूज़ करते हैं। इसे यूज़ करना आसान है। आपके हैंकरचिप पे 2 से 3 बूंद डालकर इसे सूंघो, या थोड़े गर्म पानी में 4-5 बूंदें डालकर रूम में रख लो। आपके बाथटब में 8 से 10 बूंदें डालकर बांट लो। इसमें से कुछ भी एक चीज़ करने से आपको बहुत लाभ होगा। म्यूज़िक थेरेपी। तनाव कम करने में म्यूज़िक थेरेपी बहुत काम आती है, फिर भी इसके बारे में ना ज़्यादा जानकारी है ना जानकारी दी जाती है। हर व्यक्ति का म्यूज़िक के प्रति टेस्ट अलग अलग रहता है। तनाव में खुद के पसंदीदा गीत सुनने से राहत मिलती है। इंडियन म्यूज़िक तो इतना स्ट्रांग है कि हर तरह के डिसीज़ को क्योर करने में संगीत के राग उपयुक्त है। राग दरबारी, दरबारी कानड़ा, श्री राग, अभोगी, बागेश्री, मारवा, तोड़ी, यह राग स्ट्रेस रिलीफ में बहुत काम करते हैं। बॉलीवुड में बहुत से पुराने तथा नए गाने इन रागों पर बेस्ड है।
इन्हें ढूंढ के आप सेव करके रख सकते हो और जब भी ज़रूरत पड़े इन्हें सुन सकते हो। दीर्घ श्वसन मेडिटेशन का यह एक अंग है। आंखें बंद करके पैर पे हाथ रख दें, डीप ब्रीदिंग करें। हो सके तो पद्मासन, सिद्धासन या वज्रासन में बैठें। पॉसिबल नहीं हो तो कुर्सी पे बैठें। उस वक्त संपूर्ण ध्यान दोनों भवों के बीच में होना चाहिए। कुछ ही समय में मन शांत होने लगेगा। एक्यूप्रेशर एंड सुजोग अपने दोनों कानों को अंगूठा और उंगलियों से मसाज देने से तनाव कम होता है। अपने अंगूठे से दोनों भवों के बीच प्रेशर देने से भी तनाव कम होता है। कलाई पर छोटी उंगली के ठीक नीचे जो प्रेशर पॉइंट है वहाँ पंपिंग मेथड से दबाने से तनाव में बहुत फ़ायदा होता है। अंगूठे के ऊपरी टिप और अंगूठे के नाखून के नीचे थोड़ी देर मसाज करने से तनाव कम होता है। इसी जगह पे ब्लैक कलर अप्लाई करें। अपनी हर उंगली एक एक फीलिंग बताती है। अंगूठा वरी, इंडेक्स फिंगर डर, मिडल फिंगर गुस्सा, रिंग फिंगर दुख, लिटिल फिंगर आत्मसम्मान। यह सभी कहीं ना कहीं स्ट्रेस लाने में मददगार होते हैं। हर उंगली को एक एक मिनट दबा के रखने से या मसाज करने से बहुत फायदा मिलता है। नो पॉइंट इन स्ट्रेसिंग ओवर समथिंग यू कांट चेंज। मूव ऑन एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर। जो चीज़ें चेंज होने वाली नहीं है, जो सिचुएशन हमें फेस करनी ही है, उसके लिए तनाव लेने से अच्छा है आगे की सोचो और अपने आप को फाइट करने के लिए तैयार करो। जब आप मन से स्ट्रांग हो जाओगे, सिचुएशन के बारे में कुछ सोच पाओगे। यही बात आपके प्रश्न के उत्तर की तरफ आपको लेके जाएगी। जिंदगी कोई स्कूल की एग्जाम नहीं, पढ़ो और परीक्षा दो। यहाँ हर क्वेश्चन का आंसर हर एक के लिए अलग अलग होता है और वो खुद को ही ढूंढना पड़ता है। यह बात जितनी जल्द समझ जाओगे उतना ही अच्छा है। आज के वीडियो में आपने तुरंत मिलने वाले इफ़ेक्ट्स को समझ लिया। मेरे अगले वीडियो में कुछ और टेक्निक्स बताऊंगी जिनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपको मिलेगा। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल पे भी क्लिक कीजिए।